हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एसएससी एडुकेशन। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड करते हैं, ओके ये करते हैं। आज भी हम यही मेथड करेंगे और उससे रिलेटेड हम सम करेंगे। अभी हमारे पास एग्जांपल 4 है तो उसकी मीनिंग समझें। देखो एग्जांपल 4 क्या बता रहा है, अ स्वीट सेलर, एक स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, उसके पास 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी, 130 बादाम बर्फी है। मींस एक स्वीट सेलर है, उसके पास काजू बर्फी कितनी है 420, बादाम बर्फी कितनी है 130, ओके ये है। फिर आगे क्या बता रहा है, शी वांट्स टू स्टैक देम, वो उनको स्टैक करना चाहती है। स्टैक मींस एक के ऊपर रखना, भाई एक मिठाई रखी बर्फी की मिठाई रखी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, ऐसे स्टैक करना, बराबर ना, मींस अरेंज करना इस टाइप से। तो स्टैक करना चाहती है इन सच ए वे, इस तरह अरेंजमेंट करना चाहती है दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, मींस जितनी मिठाई रखे वो एक जितनी, मतलब समझो 15 मिठाई रखी तो सब में 15-15 आएगी टोटल मिला, बराबर ना भाई, 15 रखे या 20 रखे कितनी भी रख सकती है, तो वो सेम नंबर आने चाहिए, ठीक है सेम नंबर आने चाहिए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, अभी जिस ट्रे में रखना चाहती है उस ट्रे में कम से कम एरिया, मींस कम से कम स्पेस ले वो, बराबर कम से कम एरिया भाई ले। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट, तो कौन सा नंबर होगा दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टेट, भाई हर एक स्टेट में, मतलब जो अरेंजमेंट कर रही है तो मिठाई कितनी रखेगी, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे कितनी रखेगी फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। मेन क्या है, एक ट्रे है, सबसे पहले तो क्वेश्चन की मीनिंग समझे, भाई एक स्वीट सेलर है, भाई उसके पास मिठाइयां हैं काजू बर्फी और बादाम बर्फी, ठीक है काजू बर्फी कितनी है 420 और बादाम बर्फी कितनी है 130। फिर क्या है, वो एक ट्रे है उसके पास, उस ट्रे के अंदर उसको वो मिठाई रखनी है और वो भी स्टैक फॉर्म में, स्टैक फॉर्म में मीन्स एक मिठाई रखी उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, ऐसे रखते जाना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो स्टैक में कितनी नंबर की मिठाई, मतलब कितने मिठाई होगी और वो भी सेम रखनी है, सेम नंबर बता रहा है, ठीक है कितनी मिठाइयां होंगी रखे की जो ट्रे में कम से कम एरिया कवर करे। तो सिंपल है, क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, भाई वो मींस वो जो स्टैक रख रहे हैं ज्यादा में ज्यादा मिठाई रख पाए, मैक्सिमम रख पाए, कहने का मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना पड़ेगा हमें, बराबर ना, HCF निकालेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी ना हमें, भाई कितने ज्यादा रखेंगे तो हमारा भाई कम से कम एरिया में कवर होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन की मीनिंग निकालनी है, उसमें से पता चलेगा कि आपको HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम HCF फाइंड करना है किसका, एक 420 एंड 130, ये जो हमारी मिठाइयां हैं काजू बर्फी एंड बादाम बर्फी ये दोनों हैं, तो इसका हमें HCF निकालना है। HCF कैसे निकालोगे, मैंने आपको सिखाया भाई 420 उसको किससे डिवाइड करेंगे हम 130 से, ओके अभी 130 को 420 से मैं इनटू मींस तो 133 जा कितना होगा 390, तो 133 जा लगेगा, तो क्या होगा 390, 4 जा करोगे तो 420 से बढ़ जाएगा, ठीक है तो 133 जा 390 माइनस करेंगे तो कितना होगा 20 होगा ना, सॉरी 30 होगा, इस तरह 0 में से 0 और यहाँ पे 1 कैरी करूंगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 12 में से 9 के 3 और 3 में से 3 के 0, ओके तो इस तरह हमारा 30 आया, 420 में से 390 है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, बराबर ना, और ये इधर लिखेंगे 130, अभी 30 का टेबल लगाओ, 34 जा 120 होगा, 34 जा 120 होगा ना, 35 जा कर जाऊंगा 150 हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा तो हमें 4 जा लगाना पड़ेगा, 34 जा 120, तो 130 में से 120 का तो 10, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करूंगा, फिर आगे जाऊंगा ये इधर ले जाऊंगा 30, फिर 10 का डबल लगेगा, 10 का डबल 30 पे 3 जा, तो क्या होगा 10 3 जा 30, ओके माइनस करूंगा रिमाइंडर क्या हो गया 0, और रिमाइंडर जैसे भी 0 आया इसके ऊपर वाला, इसके बाजू वाला जो हुआ वो हमारा HCF हुआ, तो HCF कितना आया 10, ठीक है। तो हमें लिखना हो इसको भाई सिस्टमेटिक लिखना है हमें, तो कैसे करेंगे 420 इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइजर 130 एंड क्वेश्चन 3 एंड रिमाइंडर हमारा 30, ओके
इस तरह करना पड़ेगा। फिर इसके लिए करना है आपको भाई 130 डिविडेंड है ये 130 और इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइजर 30 रिमाइंडर सॉरी क्वेश्चन और रिमाइंडर हमारा 10 ओके। अभी इसके लिए करें 30 इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 और रिमाइंडर 0 और जैसे ही 0 है उसके ऊपर वाला मैंने बताया था आंसर या तो 0 आ उसमें जो डिवाइजर है वो आंसर ठीक है ना। तो हमारा एच सी एफ आया HCF 420 and 130 का जो HCF आया वो क्या आया 10 आया ओके। इस तरह HCF इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी मिठाई रखेंगे 10 उस स्टैक में 10 मींस जो अरेंज कर रहे हैं ना 1 2 3 4 5 तो ऐसे 10 मिठाई रखेंगे 10 मिठाई रखेंगे तब जाके वो ट्रे में कम से कम एरिया में सब आ जाएंगे बरोबर ना। इस तरह पर तो आप इस तरह लिख सकते हो लास्ट में भाई जैसे कि बता रहा था व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस बरोबर ना। तो हम इस तरह बोल सकते हो देयरफॉर भाई जो स्वीट सेलर है भाई स्वीट सेलर हम इस तरह बोल सकते हैं स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक स्टैक्स ऑफ 10 10 का 10 मिठाई रखेगी बरोबर ना स्टैक्स ऑफ 10 फॉर ईच बर्फीज ईच बर्फीज बोलो या तो फॉर ईच काइंड ऑफ बर्फीज बोलो तो भी चलेगा अलग अलग टाइप के काजू और बादाम बरोबर ना। फॉर ईच बर्फीज मतलब जो भी बर्फी है उसके लिए कितने स्टैक मतलब कितनी मिठाई रखनी पड़ेगी 10 रखनी पड़ेगी ओके। तो इस तरह ये हमारा एग्जाम्पल 4 कंप्लीट हो गया इजी क्लियर। अभी इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ओके। तो उसकी मीनिंग निकालें देखो क्वेश्चन नंबर 3 एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड मींस एक आर्मी का ग्रुप है कितना ग्रुप है 616 मेंबर है उसमें बरोबर ना। और वो मार्च करना चाहते हैं बरोबर ना मार्च करते हैं और वो भी किसमें करना चाहते हैं मींस आर्मी बैंड है मींस उसमें भी 32 मेंबर है जो बैंड बजाते हैं बरोबर ना फिर उसके पीछे मार्च करते हैं। तो ऐसे 32 मेंबर है जो बैंड बजाएंगे और बाकी जो है जो मार्चिंग करेंगे ठीक है ना ऐसे 616 ये दो आपके पास मेंबर्स हैं ठीक है। फिर क्या बता रहे वो परेड करना चाहते हैं आपसे पूछ रहे थे टू ग्रुप आर्ट टू द मार्च भाई दो ग्रुप जो है मार्च करना चाहते हैं भाई एक ग्रुप में अलग आएंगे दूसरे ग्रुप में अलग आएंगे पर इस तरह इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम भाई कॉलम सेम नंबर जो कॉलम रो बने रो बने रो जितने कॉलम बनेंगे लाइन बोलो बोले भाई वो लाइन में जो आएंगे वो सेम होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम तो कॉलम ज्यादा ज्यादा कितने बनेंगे मैक्सिमम बोल रहा है ठीक है ना कॉलम इन विच कॉलम कितने बनेंगे जिसमें दे कैन मार्च वो मार्च कर पाए ठीक है। तो अच्छी तरह समझ में आए मीन्स इसमें भी देखो मैक्सिमम बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा भाई कॉलम कितने बनेंगे कि जैसे कि वो मार्च कर पाए। तो सिंपल है हमें इसमें भी एच सी एफ फाइंड करना है ठीक है ना मैक्सिमम भाई ज्यादा से ज्यादा कॉलम बने और मार्चिंग कर पाए ठीक है ना मार्च कर पाए। तो इसमें आपको इसका एच सी एफ निकालना है ठीक है। तो 616 and 32 तो इसको किस तरह करेंगे हमारे पास 616 है उसको डिवाइड करूं मैं 32 से जो बड़ा नंबर है मीन्स वो डिविडेंड है और ये डिवाइस है। अभी 32 का डबल पहले 61 पे लगाए आप देखो 32 1 जा 32 32 2 जा 64 हो जाएगा 64 मीन्स इससे बढ़ जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूं 1 जा लगा रहा हूं 32 1 जा ठीक है 32 आएगा ओके। फिर इसमें से मैं माइनस करूं यहां पे 1 कैरी करूंगा यहां पे 5 हो जाएगा यहां पे 9 5 में से 3 गेट 2 ठीक है। फिर ये 6 जो है वो नीचे आ जाएगा ओके तो 296 हो जाएगा। अभी 32 को 296 पे लगाना है तो कितनी बार लगेगा अभी सोचो 32 10 जा सोचो तो 320 होगा 320 इससे बढ़ जाएगा तो कितनी बार लगाओ 9 जा लगाओ बराबर ना 9 जा लगाऊंगा तो इससे कम आएगा तो मैं 9 जा लगाऊ भाई 9 2 जा 18 1 कैरी किया 27 28 ओके। तो इस तरह आया 288 देखो 296 से कम आया ओके।
इसमें से ये मैं माइनस करूं, यहाँ पे वन कैरी करूंगा, यहाँ पे एट हो जाएगा, ये एट हुआ, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका रिमाइंडर हो गया, बराबर ना। तो रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं है, तो फिर से करना पड़ेगा डिवाइड, भाई इस तरह करोगे, ठीक है, ये 32 इधर आ जाएगा, फिर 8 का डबल 32 में 4 जा, 8 4 जा 32 होता है, ठीक है ना। तो 32 और 32 में से 32 का रिमाइंडर जीरो हो गया, और जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ गया तो हमारा मीन्स एचसीएफ आ गया 8, तो इसका मतलब भाई 8 कॉलम में वो मार्च कर पाएंगे, बराबर ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने होंगे जिसमें वो पैरेंट कर पाए, तो 8 कॉलम में पैरेंट कर पाएंगे, एचसीएफ हमारा 8 आया, ठीक है। तो इस तरह हुआ, हम सिस्टमेटिक देखें, 61 मीन्स ये जो डिवाइड डिविडेंड है इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन मीन्स 32 इंटू 19 एंड रिमाइंडर प्लस करूंगा, रिमाइंडर 8 आया, ठीक है। इसके बाद इसका ये डिविडेंड हमारा 32, ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइजर एंड क्वेश्चन और रिमाइंडर जीरो है, तो जीरो के ऊपर वाला देखो, यहाँ पे मैंने बताया आपको जो डिवाइजर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा एच सी एफ क्या आया, एच सी एफ 616 32, दोनों का एच सी एफ क्या 8, ठीक है। मीन्स हम इस तरह बोलेंगे दे कैन मार्च, इस तरह हम बोलेंगे देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम मंथ, बराबर ना, भाई 8 कॉलम मंथ में वो मार्च कर पाएंगे, ओके। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इजी, क्लियर। अभी हमारे पास एग्जांपल 2 है, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो एग्जांपल 2 देखो क्या बता रहे, शो दैट, शो दैट मीन्स हमें प्रूव करना है, ठीक है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, देखो इवन इंटीजर बोल रहा है, अभी इवन इंटीजर कौन से होते हैं, इवन इंटीजर ये होते हैं जिसको मल्टीपल ऑफ 2 हो, 2 4 6 8, ये इवन इंटीजर होते हैं, बराबर ना। और वो भी बोल रहे हैं पॉजिटिव, हाँ इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है, तो हमारे को पॉजिटिव के लिए करना है, और इवन इंटीजर बोल रहा है, तो इवन कौन से होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 जिसको हम 2 से डिवाइड कर सके, बराबर ना, 2 4 6 8, ये इवन इंटीजर होते हैं। तो क्या होता है, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, भाई इस फॉर्म में होंगे 2 2 क्यूब, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बता रहा है, ऑड इंटीजर मीन्स कौन से होते हैं, 3 5 7, जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं हो, बराबर है, 2 से आप डिवाइड नहीं कर सको, ऐसे ऑड होते हैं, बराबर ना। ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q जो है कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमें ये प्रूव करना है भाई, जो इवन इंटीजर होता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, और अगर जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, हमें ये प्रूव करना है। जहां पे जो क्यू है वो कोई इंटीजर है, सम इंटीजर बता रहा है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अभी हम देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो क्या बता रहा है, इस तरह करेंगे, हमें प्रूव करना है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम हम जो करके हैं, बरोबर ना, हमारा कौन सा था यूक्लिड एल्गोरिथम में, a+bq+r, बराबर ना, हम करके आए हैं, देखो हम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं हम, मीन्स ले ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम ऐसे ले रहे हैं कि a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इक्वल्स टू 2 लेंगे, 2 क्यों लेंगे, क्योंकि देखो q के साथ मल्टीप्लाई है, तो वो जो b होता है, जो डिवाइजर है, जिससे हम डिवाइड करेंगे, बराबर ना, तो b जो है हम वो 2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 से है इसकी वजह से, तो इस तरह हो जाएगा। तो देयरफॉर हम ऐसे बोलेंगे, अगर जो a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया और b 2 लिया, तो कहने का मतलब हमारा जो देयरफॉर बार हमारा जो यूक्लिड सीखे हम एल्गोरिथम, बराबर ना, यूक्लिड एल्गोरिथम हम सीखे उसके हिसाब से क्या होगा, a+bq+r ऐसे सिखाया है, और r की जो वैल्यू होती है, मीन्स r मीन्स रिमाइंडर, r की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी होगी, पर b डिवाइजर से कम होगी, बरोबर ना, ये हम सीखे है, बरोबर ना, यूक्लिड की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैंने आपको सिखाया।
तो देयरफॉर ये ए सेम, बी की जगह में क्या रखू, बी हमारा क्या है टू है, मीन्स टू क्यू एंड आर सेम, और आर की वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारी, आर की जो वैल्यू होगी बी टू है हमारा बराबर ना, तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो या वन ही होगी, क्योंकि जीरो भी हो सकती है, मीन्स आर की जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है जीरो होगी या बी से कम होगी, बी हमारा क्या है टू है, टू से कम मतलब वन ही हुआ बराबर ना, तो आर की वैल्यू जीरो और वन ही हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम इसमें आकर जो वैल्यू पुट करें तो देयरफॉर हम ए इक्वल टू क्या होगा, ए किस फॉर्म में होगा, इस तरह होगा टू क्यू प्लस आर की जगह जीरो रखू, एक ये होगा एंड दूसरा क्या होगा इसको ही समझो सॉल्व करें हम, पहले तो ये टू क्यू, पहले जीरो रखा आर की जगह मैंने, ठीक है, तो क्या आया टू क्यू है, और ये टू क्यू क्या है मल्टीपल ऑफ टू है, टू के मल्टीपल में है ना, मीन्स ये क्या हुआ इवन नंबर हुआ मल्टीपल ऑफ टू, और क्यू तो कोई भी इंटीजर हमें क्लियर बता रहा क्यू इज द सम इंटीजर बराबर ना, तो ये जो है मल्टीपल ऑफ टू है, ये पहला हुआ हमारा स्टेप, ठीक है, जिसमें आर की जगह पे हमने जीरो रखा। दूसरा स्टेप ए इक्वल्स टू क्या होगा, इसी में ही भाई ए की क्या वैल्यू होगी टू क्यू और आर की जगह पे मैं वन रखू, तो ये क्या इसमें से टू कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ये मल्टीपल ऑफ टू नहीं है, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे भाई, इस तरह आप बोल सकते हो भाई टू क्यू जो हमारा जो फर्स्ट नंबर आंसर है टू क्यू, टू क्यू इज मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू बोलो या डिविजिबल बाय टू बोलो तो भी चलेगा, टू का मल्टीपल है तो देयरफॉर क्या बोलेंगे हम टू क्यू इज इवन नंबर, इवन होगा ना, टू के मल्टीपल में है तो इवन नंबर हुआ, ठीक है, इवन नंबर हुआ वो, ये इवन नंबर होगा कंपल्सरी क्योंकि टू से मल्टीप्लाई है, और क्यू जो है कोई सम इंटीजर है, आप रख के देखो क्यू सपोज करो थ्री रख रहे हैं तो टू को मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूं, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स क्या हुआ पॉजिटिव, मीन्स इवन नंबर ही होता है बराबर ना, पॉजिटिव इवन नंबर हुआ, ओके। तो इस तरह ही एंड इसके लिए हम सोचें भाई देयरफॉर इसी तरह ही बोलेंगे टू क्यू प्लस वन इज नॉट मल्टीपल ऑफ टू, टू का मल्टीपल नहीं है, तो देयरफॉर क्या हुआ टू क्यू प्लस वन इज ऑड इंटीजर, ऑड होगा, ठीक है, ऑड इंटीजर बोलो ऑड नंबर बोलो जो भी बोल सकते हो, ठीक है, मैं इंटीजर लिखता हूँ यहाँ पे भी जरूरी नहीं है आप नंबर लिखो, इंटीजर भी लिख सकते हो, इवन इंटीजर बात एक ही है, ठीक है, ये इवन इंटीजर हुआ और ये ऑड इंटीजर हुआ, तो हमारे को वही तो प्रूव करना था ना कि हमारे को वही प्रूव करना था जो इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा टू क्यू, टू क्यू फॉर्म में आ गया, एंड जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा टू क्यू प्लस वन में, ठीक है, तो हम इस तरह बोल सकते हैं हेंस प्रूव, हेंस प्रूव हम ऐसे बोल सकते हैं एनी या एवरी लिखो तो भी चलेगा, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर फॉर एनी पॉजिटिव इवन इंटी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा टू क्यू, ठीक है ना, एंड एंड एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ टू क्यू प्लस वन, ओके। तो इस तरह हमारा ये एग्जाम्पल टू कंप्लीट हो गया, इजी क्लियर। अब इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल थ्री है तो उसकी मीनिंग समझे, देखो एग्जाम्पल थ्री क्या बता रहा है, शो दैट, शो दैट मीन्स प्रूव करना है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखो ऑड बता रहा है, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री, मीन्स जो ऑड इंटीजर होगा इस फॉर्म में होंगे, हमें यह प्रूव करना है वेयर जहां पे क्यू इज सम इंटीजर, जहां पे क्यू जो है वो सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो देखो किस तरह करेंगे, सेम इसकी तरह जैसे हम एग्जाम्पल टू करके आए, तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करें भाई, सपोज करो ए एन, सपोज करो ए एनी, ए एनी पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है ना, हम ऐसे ले रहे हैं भाई a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 4, मीन्स डिवाइजर जो है यहाँ पे 4 है हमारा, तो b जो होगा वो 4 होगा, मीन्स क्या है यार, सपोज कि यार a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b जो है 4 का मीन्स जो डिवाइजर दिया हुआ वो हमने b लिया, ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, जो हम सीखा है यूक्लिड का एल्गोरिथम उसके हिसाब से हम सोचें तो देखो किस तरह होगा भाई, हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से क्या था भाई, बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर की जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी या तो बी से कम, बी में से जो डिवाइसर है उससे कम होगी, बराबर नहीं है, हम सीखा है, तो कहने का मतलब क्या होगा देखो ए इक्वल्स टू बी की जगह मैं रखू 4, मीन्स 4 क्यू प्लस आर से मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी, अभी बी की जगह में मैं 4 रखू तो आर की वैल्यू 0 और 4 के बीच मीन्स 0 भी हो सकता है या तो 4 से कम होगी, 4 से कम होगी मीन्स इस तरह होगी आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ओके, मीन्स आर की जगह में पहले 0 रखेंगे फिर 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, मीन्स हमारे को ये इंटीजर मिलेंगे भाई ए इक्वल्स टू 4 क्यू प्लस आर की जगह में 0 रखू मैं, ठीक है, तो क्या हो गया ये 4 क्यू प्लस 0 मीन्स 4 क्यू हुआ, ठीक है, इसी तरह दूसरा हम सोचे मीन्स ऐसे होगा 4 क्यू प्लस 1 आर की जगह में 1 रखा, ठीक है, और तीसरा क्या होगा 4 क्यू प्लस 2 आर की जगह में 2 रखा, इसी तरह ही 4 क्यू प्लस 3 होगा, बराबर, इसमें क्या किया देखो ये 0 रखा पहले आर की जगह पे फिर 1 रखा फिर 2 रखा फिर 3 रखा, ये नंबर होंगे, अभी देखो 4 क्यू प्लस 0 मीन्स 4 क्यू हुआ और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्यू ऐसे रख सकता हूँ क्योंकि 2 जा 4 हो जाएगा, ओके, मीन्स 2 कॉमन निकाला और इसमें देखो कुछ कॉमन निकल रहा है 4 क्यू प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है ना, और इसमें देखो इसमें 2 कॉमन निकल रहा है दोनों को 2 का डबल लग रहा है, 2 कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट में 2 क्यू प्लस 1 2 का डबल 4 पे 2 जाओ 2 का डबल 2 पे 1 जाओ, बराबर है, और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है 4 क्यू प्लस 3 इसमें से भी देखो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, देखो ये जो है मल्टीपल ऑफ 2 हुआ ये भी ब्रैकेट 2 से मल्टीपल में है, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ ये इवन नंबर हुआ इवन इंटीजर हुआ और ये भी इवन इंटीजर हुआ, क्यों हुआ क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है दोनों, ये मल्टीपल ऑफ 2 इवन हो गया ये भी मल्टीपल ऑफ 2 इवन हो गया, बराबर है, और यहाँ पे ये जो 4 क्यू प्लस 1 है 4 क्यू प्लस 3 है उसमें से कॉमन नहीं निकल रहा है तो वो जो है इवन नंबर नहीं होंगे क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, मीन्स ये दोनों कौन से होंगे ऑड होंगे और हमें वही प्रूव करना है, देखो ऑड इंटीजर जो है इस फॉर्म में होंगे 4 क्यू प्लस 1 4 क्यू प्लस 3 वही हमें प्रूव करना है, बराबर है, तो हम इस तरह बोलेंगे देयरफॉर 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3 आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, भाई 2 के मल्टीपल में नहीं है यहाँ पर डिविजिबल बाय 2 नहीं है ऐसे भी लिख सकते हो, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3 आर ऑड इंटीजर्स, भाई वो ऑड होंगे, ओके, आर ऑड इंटीजर्स, तो ध्यान पर हम क्या बोलेंगे हैंस प्रूव, हमें वही प्रूव करना है हैंस प्रूव भाई बोला ना एनी सॉरी एनी हैंस प्रूव एनी ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखते थे ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म में होंगे 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3, ओके, तो इस तरह हमारा ये एग्जांपल 3 हो गया, इजी क्लियर, अभी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, तो उसकी मीनिंग समझे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, शो दैट मीन्स हमें प्रूव करना है एनी पॉजिटिव और इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव और बता रहा है और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में 6 क्यू प्लस 1 और में 6 क्यू प्लस 3 और में 6 क्यू प्लस 5 इस फॉर्म में होगा, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहां पे क्यू जो है
सम इंटीजर है, कोई ना कोई इंटीजर है। ओके तो देखो किस तरह करोगे, सेम ही जैसे आप सीख क्या है भाई, इस तरह लेंगे। यहां पे सबसे पहले हम ले लेट ए बी एन एनी इंटीजर। ओके भाई हम ले रहे हैं ए जो है कोई इंटीजर है एंड बी इक्वल टू क्या लोगे, बी इक्वल टू क्या लेना है 6 क्यूब। देखो 6 तो बी क्या लेंगे 6, यहां पे डिवाइजर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू हमारा क्या है बी क्यू प्लस आर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पे आर रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 या उससे बड़ी, या तो जो हमारा डिवाइजर है बी उससे कम होगी। तो बी हमारा क्या है यहाँ पे 6 है, तो आर की वैल्यू जो होगी 0 और 6 से बीच में होगी, मीन 6 से कम होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई 0 और आर की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू बी की जगह 6 रखू 6 क्यूब प्लस आर, जहां पे आर की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5, 6 से कम ही होगी बराबर ना, डिवाइजर जो है उससे कम ही होगी हमेशा वैल्यू। तो आर की जगह पे हम वैल्यू रखें तो इस तरह हमारा क्या होगा ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर की जगह 0 रखा, दूसरा ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 रखा, इसी तरह ए इक्वल टू 6 क्यूब आर की जगह पे 2 रखा, इसी तरह ही ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 रखा, आर की जगह पे वैल्यू उठता था, पहले 0 रखा फिर 2 रखा फिर सॉरी 0 रखा फिर 1 रखा फिर 2 रखा फिर 3 रखा। ओके इसके बाद 4 5 मीन से इस तरह होगा ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 एंड ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ओके आर की जगह पे सिर्फ वैल्यू रखी है मैंने, आर की जगह पे पहले 0 रखा फिर 1 रखा फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5, ठीक है ना। जो आर की वैल्यू मुझे हुई है वो वैल्यू पुट की मैंने, ठीक है। फिर क्या होगा ये 6 क्यूब प्लस 0 का मतलब क्या हुआ 6 क्यूब भाई प्लस 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 है तो 2 and 3 क्यूब भाई 2 3 6 होगा ना, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये भाई मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, तो मल्टीपल ऑफ 2 हो गया तो ये इवन नंबर है, ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया बराबर ना, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है। ओके और इसमें से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कहने का मतलब ये क्या होगा ऑड होगा, ठीक है। इसी तरह ही इसमें से देखो 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों को 2 का डबल लग रहा है, 2 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या होगा 3 क्यूब प्लस 1, तो देखो ये भी मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, मीन्स ये भी क्या हो गया इवन नंबर हो गया बराबर ना। और इसमें से देखो 6 क्यूब प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, हमें तो 2 निकालना है क्योंकि हमें इवन और ऑड सोचना है, तो 2 के लिए ही सोचना पड़ेगा, 3 के लिए नहीं सोचना, 3 कॉमन निकल रहा है हमें कॉमन नहीं निकालना, 2 कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये भी ऑड नंबर होगा। इसी तरह इसमें से देखो, इसमें से भी देखो 2 का डबल लग रहा है ना दोनों को, तो 2 कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या होगा 2 का डबल 6 पे 3 जा और 4 पे 2 जा, इस तरह होगा 3 क्यूब प्लस 2, तो देखो मल्टीपल ऑफ 2 हुआ, तो ये भी क्या हुआ ये भी इवन नंबर हुआ। ओके अभी इसमें से 6 क्यूब प्लस 5 2 कॉमन निकल रहा नहीं निकल रहा है, तो कॉमन नहीं निकल रहा है तो ये भी ऑड नंबर हुआ बराबर ना। तो इस तरह आप बोल सकते हो ये इवन हो गया ये इवन हो गया ये इवन हो गया, तो इस तरह आप बोल सकते हो देयरफॉर 6 क्यूब प्लस 1 एक ये 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, या तो डिविजिबल बाय 2 भी बोल सकते हो बराबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है मल्टीपल नहीं है, तो देयरफॉर क्या बोलोगे देयरफॉर मीन्स इस तरह बोल सकते हो हेंस प्रूव, हमें जो प्रूव करना है भाई हेंस प्रूव हम ऐसे बोलेंगे, हेंस प्रूव जो प्रूव करना था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होंगे इस फॉर्म में होंगे 6 क्यूब प्लस 1 और
सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। ओके, तो इस तरह हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। इसमें अगर जो आपको चेक करना हो राइट है कि रॉन्ग है, किस तरह कर सकते हो, क्यू जो है सम इंटीजर है, अभी समझो सिक्स क्यू प्लस वन है, क्यू की जगह पे समझो हम टू रख रहे हैं, ठीक है, तो सिक्स टू जा ट्वेल्व और वन क्या हुआ थर्टीन, थर्टीन क्या होता है ऑड नंबर, इसमें भी रख सकते हो आप टू समझो, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन भी क्या हुआ ऑड नंबर हुआ। इसी तरह इसमें रखो सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व और फाइव सेवनटीन, सेवनटीन क्या होता है ऑड नंबर होता है। तो इस तरह आप कोई भी इंटीजर लो, जरूरी नहीं टू लो, आप वन लो, चलो वन लेते हैं तो सिक्स वन या सिक्स, सिक्स और वन सेवन, प्लस वन करोगे तो सेवन, सेवन क्या होगा ऑड नंबर, सॉरी इसमें आप सॉरी क्यू की जगह वन रखो, सिक्स वन या सिक्स और सिक्स और थ्री नाइन, नाइन भी ऑड नंबर होता है, ठीक है, इसमें वन रखो सिक्स वन या सिक्स, सिक्स और फाइव इलेवन, इलेवन भी ऑड होता है। ओके, तो इस तरह आप आंसर चेक भी कर सकते हो। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया, इजी क्लियर। तो इस तरह आज हमने तीन एग्जांपल किए एंड एक्सरसाइज 1.1 में दो क्वेश्चन किए। ओके, अभी भी दो क्वेश्चन बाकी है एक्सरसाइज 1.1 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे एंड आगे एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट करेंगे। एंड आज जो मैंने जो भी सम सिखाया, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।